हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्राउन चक्र ब्लॉकेजेस साइन के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, और ये भी बताऊँगी कि क्राउन चक्र अगर आप लोगों की ब्लॉक्ड है तो उसे आप लोग कैसे हील कर सकते हो, कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा लास्ट चक्र का वीडियो है, ठीक है, सेवन चक्र क्राउन चक्र। और मुझे मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि 12 चक्र के बारे में एक वीडियो बनाओ, तो ऑफ कोर्स बनाऊंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने 7 चक्रास के ऊपर वीडियो बना दिया है आज के वीडियो को लेकर, और 5 चक्रास के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहले पहुँच सके, ठीक है, आपको लेट ना हो, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो वीडियो, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक में आपको कुछ जानना है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, स्किप मत करना। तो क्राउन चक्र अगर आपकी ब्लॉक है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, क्या साइन होता है, क्या सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो पहला साइन है कि खुद को ख़त्म करने की भावना आपके माइंड में चले आएगी, ठीक है। सुसाइड टेंडेंसी जिसे कहते हैं वो आपके दिमाग में चले आएगी, ठीक है। आप खुद को हेट करोगे और आप चाहोगे कि कैसे खुद को ख़त्म किया जाए, कैसे सुसाइड किया जाए, ये चीज़ें आपके दिमाग में हो गई। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस, ठीक है। आप भी सलाह रहना, अगर आपकी फैमिली में ऐसे कोई है तो तुरंत आपको उनकी क्राउन चक्रा की हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे, सैड रहोगे, ठीक है। स्पिरिचुअल एडिक्शन आप में होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, मतलब पागलों की तरह, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क करना बहुत, मतलब अच्छी बात है गाइस, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है, स्पिरिचुअल एडिक्शन जिसे कहते हैं, एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी बुरी हो, एडिक्शन मतलब एडिक्शन, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे इंसान मैंने देखे हैं ऑलरेडी मेरे लाइफ में, ठीक है, मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी है, मेरे आसपास भी मैंने देखी है। और जो थे वो अब नहीं है, ठीक है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है, ऐसे इंसान मैंने देखी है कि स्पिरिचुअल एडिक्शन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एडिक्शन थे उनके, ठीक है। मतलब दिन रात पूजा पाठ करना, उनको पूजा पाठ करने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। वो खुद को भी नहीं दिखते थे, फैमिली को भी नहीं दिखते थे, बस पूजा पाठ, ठीक है। गॉड को मतलब इतने ज़्यादा वो समर्पित थे, मतलब क्या कहो, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ है। तो आप लोग देखना कि ऐसे स्पिरिचुअल एडिक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क भी करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना चाहिए, और हमारे पर्सनल लाइफ को भी देखना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो उन्हें हम एडिक्शन कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग अलर्ट रहना। नेक्स्ट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जाइटी होगा, और अपने बिहेवियर को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सबके साथ, ठीक है, सभी के साथ, मतलब ऐसे इरिटेटिंग हो जाओगे और मतलब बुरा भला ऐसे मिसबिहेव करोगे लोगों के साथ, ठीक है। नर्सिज्म ऐसे हो जाओगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। फिज़िकली क्या क्या होगा आपको सिम्टम्स, माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, हेयरफॉल होगा, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में इशू होगा, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड रहोगे, ठीक है, भूलने की बीमारी होगी, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ठीक है, अल्जाइमर, मिर्गी की दौरा, ये सारी चीज़ें हो सकती है फिजिकली सिम्टम्स, ठीक है। और स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट पड़ेंगे, आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील करोगे, ठीक है, और जो एडिक्शन बताया था वो भी होगा, ठीक है। अगर क्राउन चक्रा की ब्लॉक्ड है आपकी तो आप स्पिरिचुअली हो सकता है कि एडिक्शन हो जाओ, या फिर एकदम ही मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई भी आपकी मन नहीं होगा, ठीक है, आप मतलब डिवाइन से, गॉड से एकदम ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, ये दो चीज़ हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम नहीं करेंगे, आप जितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, जितने भी अच्छे से कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। नाइटमेयर्स होगा, ठीक है, और लव्ड वंस के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है, ओके। और किसी अपने की अचानक डेथ हो जाना, ठीक है, ये भी आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है तो, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है अगर आपकी क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है तो। इसे अब हमें
हील कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो कैसे आपको हील करना है, अगर आप लोगों की ये सारे ब्लॉकेजेस साइन हैं आप लोग मैच करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको इमीडिएट क्या करना है, हील करना है, ठीक है। कैसे हील करना है ये भी मैं आप लोग बता देती हूँ। तो पहले तो आपको मंत्रा चेंज करना है, ठीक है। क्राउन चक्रा का मंत्रा भी ओम है गाइस, ठीक है। ओम मंत्रा का चेंज करना है 108 बार आपको, ठीक है। और मेडिटेशन करना है, योगा करना है। योगा में आपको पद्मासन करना है, शीर्षासन, शवासन और मकरासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्ध उत्तरासन, ये कई योगा है, यह आप कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं कहती हूँ, पद्मासन, शीर्षासन, शवासन, मकरासन, वर्कासन, गोमुखासन, अर्ध उत्तरासन, ठीक है। ये 7 योगा है, आप लोग कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। और क्राउन चक्रा के मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, ठीक है। ओके, मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है क्राउन चक्रा के, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो क्राउन चक्रा मंत्रा चैंटिंग मेडिटेशन, ठीक है। सूथिंग म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और क्राउन चक्रा के फूड आपको क्या लेना है, ठीक है। फूड की हेल्प से भी आप अपने क्राउन चक्रा को हील कर सकते हो। बेरीज ले सकते हो, ब्लूबेरी हो, ओके, ब्लैकबेरी, ये सारे ले सकते हो। ग्रेप जूस ले सकते हो, पॉपी सीड्स खा सकते हो, ओके, एंड जिंजर, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। क्राउन चक्र के लिए बहुत ही बेस्ट है। और पर्पल कलर यूज़ करना है आपको, ठीक है। पर्पल कलर का रुमाल रख सकते हो, पर्पल कलर का ड्रेस पहन सकते हो, ठीक है। और आपको क्रिस्टल आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है, क्रिस्टल ले सकते हो आप, एमेथाइस ले सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हो, हाउलाइट एंड मूनस्टोन, ये 4 में से कोई एक आप ले सकते हो। और मेडिटेशन करते वक्त आपके चेस्ट में ये क्रिस्टल टच होना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। प्रे करना है, जितने ज़्यादा प्रे कर सको, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सको चीज़ों को लेकर कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब गए हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्रे करना, जितना हो सके आप प्रे करना, गॉड की तरफ रहना, ठीक है, गॉड को सरेंडर करना। और ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना, ठीक है, जो भी है आपके पास आप उनको लेकर ग्रेटिट्यूड शो करना यूनिवर्स पे, और थैंक यू कहना यूनिवर्स को, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क करना, जितना हो सके आप स्पिरिचुअल वर्क करो, पूजा पाठ मतलब व्रत वगैरह ये सारी चीज़ें करना, जिस भी धर्म से हो, ठीक है, आप अपने गॉड को मान सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप करते हो। और क्लीन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मतलब खुद को क्लीन रखना जितना हो सके, ठीक है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ठीक है, साफ़ सुथरे तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और अफर्मेशन आप क्या यूज़ कर सकते हो, अफर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फूड और क्रिस्टल, ये दोनों ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेडिटेशन, योगा, ओम मंत्र चैंटिंग, ठीक है, और ये जो ग्रेटिट्यूड शो करना, प्रे करना, स्पिरिचुअल वर्क करना, ठीक है, क्लीन रहना और अफर्मेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे और स्पिरिचुअल वर्क अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे, स्पिरिचुअल वर्क मतलब क्या, सिर्फ पूजा पाठ नहीं, मतलब चैरिटी करना, लोगों का हेल्प करना, ठीक है, जितना हो सके लोगों को हील करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो खुद ब खुद क्राउन चक्रा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और क्राउन चक्रा का और एक मंत्रा है वैदिक मंत्रा, बहुत ही पावरफुल मंत्रा है, ये भी आप चेंज कर सकते हो ओम के साथ, सा ता ना मा, ठीक है, एस ए टी ए एन ए एम ए, ठीक है, ये 4 वर्ड है, सा ता ना मा, ठीक है, ये 4 वर्ड एक ही साथ है, एक ही मंत्रा है, सा ता ना मा, ठीक है, ये वैदिक मंत्रा है, बहुत ही पावरफुल है, ओम के साथ आप ये भी चैन करना, ठीक है, 108 बार, ओके। और एफर्मेशन आप लिख लो, एफर्मेशन है, बहुत ही छोटी सी एफर्मेशन मैंने रेडी की है, ये आप कह सकते हो सुबह को कहो, शाम को और रात को, ठीक है, डेली रिपीट करना है आपको बार बार, ठीक है, ये एफर्मेशन। आई एक्सपीरियंस यूनिटी विथ ऑल थिंग्स, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डिवाइन, आई एम अलाइंड विथ द हाइस्ट एस्पेक्ट ऑफ माई बींग,
डिवाइन लाइट एंड लव फॉलो थ्रू मी। ठीक है, ये आपको कहना है एफर्मेशन, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे आपके मनपसंद एफर्मेशन क्राउन चक्रा के आप ले सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। तो ये थी क्राउन चक्रा के बारे में, आज मैंने आप लोगों को बताया क्राउन चक्रा कैसे हील करना है, अगर ब्लॉक्ड है तो आपको क्या साइलेंस सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी है, क्या क्या हेल्प मिल रही है आपको, ठीक है, और किसी और टॉपिक में आपको जानना है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड लव यू ऑल, गुड लक।